Hi guys, this is Asma Azim. Hope you are doing good. और आज हमारे देसी अमेरिकन किचन में बन रहा है ऑरेंज बर्ड केक. तो ऑरेंज केक बनाते हैं और चलते हैं अपने कुकिंग स्टेशन पर. लेकिन पहले आपने करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है. तो चलिए बनाते हैं ऑरेंज केक. ऑरेंज केक बनाने के लिए हमने लिया है एक ऑरेंज. मैंने मीठा लिया है ऑरेंज, और क्योंकि अगर खट्टा होगा तो आपका केक का फ्लेवर मज़े का नहीं आएगा. एक ऑरेंज हमने लिया है. इसके साथ हमने हाफ कप लिया है ऑयल का, 3/4 कप लिया है हमने शुगर का. उसके साथ हमने 3 अंडे लिए हैं, ये रूम टेम्परेचर पे हैं. उसके साथ जो हमने लिया है वो ऑल पर्पज़ फ्लावर है, 1 फुल कप है. और उसके साथ 3/4 है, यानी तकरीबन मैंने 2 कप लिए हैं, उनमें से 1 पूरा कप है और 1 का मैंने 4 हिस्से किए हैं, उसमें से 3 हिस्से लिए हैं और 1 छोटी है. साथ में हमने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर और ये मैंने लिया है 2 टीस्पून. तो चलिए बनाते हैं ऑरेंज केक. मैंने यहाँ पे बंद केक फैन लिया है. आप किसी भी शक्ल का लूप फैन ले सकते हैं, केक के जो भी अवेलेबल हो आपको. सबसे पहले हम इसे ऑयल करेंगे. मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है इसे और चारों तरफ से जो है मैं इसे ग्रीस कर दूंगी. अच्छे से ग्रीस हो गया है मेरा केक पैन. अब हम फ्लावर डालेंगे और इसे अच्छे से जो फ्लावर को जो है हमें इस पैन में इसको अच्छे से जो है वो कर देना है ताकि हमारा केक नीचे से ना चिपके. हमारा पैन रेडी है. मैंने ओवन को जो है 350 प्रीहीट पर रख दिया है. तो चलिए बनाते हैं केक. मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया है. देखिए ऑरेंज को हम कैसे काटेंगे. हम ऑरेंज को पहले यहाँ से काटेंगे इस तरीके से, उसके बाद हम ऑरेंज को यहाँ से काटेंगे. बहुत सारा जूसी भी है और बहुत अच्छा भी है. ये देखिए ये जो इसका दरमियान का हिस्सा है ये निकाल देंगे हम, और जितने भी सीड्स हैं वो भी हम निकाल देंगे. मेरे पास जो ऑरेंजेस हैं इसमें सीड्स बहुत कम है. मैं इसको इसके स्किन के साथ डाल रही हूँ और इसके एक पीस को जो है मैं वो स्किन निकाल दूँगी. मैंने एक जो है इस तरीके से निकाल दिया है, ज़्यादा इसमें मैं नहीं ब्लेंडर में बनाएंगे. बहुत इजी केक है. हमने अपने ब्लेंडर में सबसे पहले डाला है 1/2 कप ऑयल. ऑयल डालेंगे, साथ में डाल देंगे चीनी, उसके साथ डाल देंगे ऑरेंजेस जो हमने काटे थे, और फिर डालेंगे हम एग्स. ये रूम टेम्परेचर पे है. हम अपने 3 अंडे डाल देंगे, 1, 2. इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक. ऑलमोस्ट सारी चीजें ब्लेंड हो गई हैं ब्लेंडर में. अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं बॉल में. मैंने जो ऑल पर्पज़ फ्लावर है वो और साथ में जो बेकिंग पाउडर है उसको मिक्स करके हमें अच्छे से छान लेना है. आहिस्ता आहिस्ता अपने केक मिक्सचर के साथ इसे डालना है. इसे मिक्स करेंगे.
हमारा केक रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें अपना जो हमने तैयार किया हुआ था अपना केक का पैन। अब हम अपने केक को ले जा रहे हैं ओवन में, ये 30-35 तक जो है मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा और फिर हम टूथपिक डाल के देखेंगे कि ये रेडी है या नहीं। 35 मिनट्स में 350 फारेनहाइट पर हम इसे बेक कर रहे हैं। हमने अपना केक निकाल लिया 35 मिनट्स के बाद, हमने यहाँ पे टूथपिक डाल के देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी हमारी टूथपिक निकली है, क्लीन है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर ये अपने साइड्स को छोड़ देगा। पूरी तौर पर हमारा केक ठंडा हो गया है, अब हम इसे निकालते हैं। और जनाब ये हमारा केक जो है रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इस तरह से रखिए, चाहें तो इस तरह से रखिए। कितना खूबसूरत है हमारा केक, इसे थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कीजिएगा, वरना वैसे भी ये केक बहुत मजबूत है। मैं थोड़ी सी जो है हनी ब्रश के साथ इसे लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, पिस्टैचियोस है, थोड़े से हमारे पास और आलमंड है, तो मैं ऑरेंज केक रेडी है। हमारा ऑरेंज केक रेडी है, इंजॉय कीजिए सर्दियों की ठंडी ठंडी शामों में कॉफी और चाय के साथ। और यस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।